हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के नेटवर्क। मेरा नाम है राजेश और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ दो प्रोटोकॉल्स के बारे में, यानी कि टीसीपी और यूडीपी के बारे में। सो टीसीपी और यूडीपी को बताने से पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जो ओएसआई रेफरेंस मॉडल की मेरी वीडियोज़ की सीरीज़ थी, उसमें जो ट्रांसपोर्ट लेयर था, मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करते हैं, डाटा को सेगमेंट्स में डिवाइड करती है। मतलब जो भी आपका डाटा ट्रैवल होने वाला है, डेस्टिनेशन पे जो भी जाने वाला है, उसको वो भेजने से पहले सेगमेंट्स में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, और ट्रांसपोर्ट में सेगमेंट्स में डिवाइड करने के बाद ही उसकी डेटा की डिलीवरी करवाती है। मैंने आपको ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी कि जो ओएसआई रेफरेंस मॉडल की मेरी सीरीज़ थी, उसमें जो ट्रांसपोर्ट लेयर की वीडियो थी, उसमें मैंने आपको ये क्लियर किया था कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट्स में डेटा डिवाइड होने के बाद जब आपका डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन जाता है, तो उसकी डिलीवरी कराने के लिए दो प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टीसीपी और यूडीपी। आई थिंक आपको याद होगा। तो आज मैं उस टीसीपी और यूडीपी के बारे में ही डिस्क्रिप्शन आपको देने वाला हूँ। सो टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूडीपी यानी यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये दोनों के दोनों प्रोटोकॉल क्या करते हैं, आपके डेटा की एंड टू एंड डिलीवरी कराने का काम करते हैं। मतलब जो भी आपका डेटा है, उसको सोर्स टू डेस्टिनेशन पे सेंड करवाने का काम टीसीपी का या फिर यूडीपी का होता है। या तो आपका डेटा टीसीपी का इस्तेमाल करते हुए जा रहा होगा डेस्टिनेशन पे, या फिर आप यूडीपी का इस्तेमाल करते हुए अपने डेटा को सेंड कर रहे हो डेस्टिनेशन पे। तो दोनों के सेम काम है। मतलब एंड टू एंड जब भी आपका डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा सेगमेंट्स में डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद जब वो जा रहा है चल के सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो या तो टीसीपी के थ्रू जाता है या तो यूडीपी। अब दोनों के काम तो सेम है, लेकिन दोनों प्रोटोकॉल्स अलग अलग है। काम अगेन वही है, डेटा की एंड टू एंड डिलीवरी कराना, लेकिन इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस है, जिन डिफरेंसेस की वजह से टीसीपी अलग तरीके से काम करता है, यूडीपी अलग तरीके से काम करता है। तो डिफरेंसेस क्या है तो देखते हैं। अगर आप टीसीपी का इस्तेमाल कर रहे हो डेटा की डिलीवरी के लिए, तो उसमें कई सारे डिफरेंसेस होते हैं, यूडीपी के अंदर भी कई सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो टीसीपी में पहला डिफरेंस क्या होता है, तो टीसीपी जो है आपका रिलायबल प्रोटोकॉल माना जाता है। रिलायबल इन द सेंस कि इसमें जो आपके डेटा की डिलीवरी होती है वो एक रिलायबल तरीके से होती है। उसमें डेटा आपका जब सोर्स टू डेस्टिनेशन जाता है, तो उस डेटा के हैक होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि ये रिलायबल तरीके से काम कर रहा होता है। ये डेटा का सीक्वेंस नंबर यूज़ कर लेता है, ये डेटा को सिक्योर कर देता है आगे रूट पे ले जाने के लिए। तो यहाँ पे रिलायबल डिलीवरी होती है, मतलब कि यहाँ पे गारंटी होती है कि जो आपका डेटा है वो डिलीवर होगा ही होगा। मतलब टीसीपी के केस में आपके डेटा की रिलायबल यानी गारंटीड डिलीवरी होती है कि डेटा या तो वहाँ पहुँचेगा, और अगर वहाँ पे किसी रीज़न से नहीं पहुँच पाया तो आपको एक्नॉलेजमेंट यानी रिप्लाई आता है कि भाई डेटा वहाँ पे क्यों नहीं पहुँच पाया। जबकि यूडीपी की सीरीज़ में क्या होगा, यूडीपी अनरिलायबल प्रोटोकॉल माना जाता है। अनरिलायबल इन द सेंस यहाँ पे गारंटी नहीं होती है कि आपका डेटा वहाँ पे डिलीवर हो भी गया है या नहीं हुआ है। चांसेस है कि वहाँ पे डिलीवर हो गया है, आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं आती है कि वहाँ पे पहुँचा कि नहीं पहुँचा, क्योंकि यूडीपी जो है किसी भी तरीके का रिप्लाई नहीं देता। अगर नहीं भी पहुँचा है तो भी आपको नहीं बताएगा, पहुँच गया तब भी आपको नहीं बताएगा। मतलब यहाँ पे गारंटी नहीं है कि आपका डेटा डेस्टिनेशन पे पहुँचा भी है या नहीं पहुँचा। रास्ते में अगर हैक भी हो गया तो उसकी गारंटी भी यूडीपी नहीं लेता। इसके अलावा जो आपका टीसीपी होता है यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड इन द सेंस जब भी ये सोर्स से डेस्टिनेशन पे कोई डेटा सेंड करेगा टीसीपी, अगर आप टीसीपी का इस्तेमाल कर रहे हो किसी डेटा को ले जाने के लिए, तो टीसीपी डेस्टिनेशन के साथ सबसे पहले कनेक्शन बनाता है। मतलब ये डेस्टिनेशन को बता देता है कि भाई मैं सोर्स से कोई डेटा लेके आने वाला हूँ, तो तैयार हो जा लेने के लिए। जिससे कि क्या होगा, एक कनेक्शन बन जाएगा दोनों सिस्टम्स के बीच में, दोनों कनेक्टेड हो जाएंगे, और कनेक्टेड होने के बाद ये डेटा उसके पास लेके जाएगा और वहाँ पे रिसीव करवा देगा। जबकि यूडीपी के केस में क्या होता है, कनेक्शन लेस होता है यूडीपी। मतलब वो सोर्स से जब कोई डेटा लेके चलता है, तो जिस डिवाइस पे उस डेटा को जाना है उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं बनाता। अगर कनेक्टिविटी हो गई है तो डेटा आपका वहाँ पे सेंड हो जाएगा, नहीं हुई है तो यूडीपी जो है गारंटी नहीं लेता। यूडीपी क्या करेगा, सिंपली आपके डेटा को लेके जा रहा होगा, अगर वो डेटा वहाँ पे डिलीवर हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो वहीं से डिस्कार्ड हो जाएगा, आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं होगा कि मेरा डेटा वहाँ पे पहुँचा भी है या नहीं पहुँचा। मतलब यूडीपी जो है कनेक्शन लेस प्रिंसिपल पे काम करता है, डेटा को सेंड करने से पहले कोई भी कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करता सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, जिससे कोई गारंटी नहीं है कि डेटा वहाँ पे पहुँचेगा भी या नहीं पहुँचेगा। तो क्योंकि टीसीपी कनेक्शन के ऊपर काम कर रहा था, इसी वजह से वो रिलायबल भी था, जबकि यूडीपी जो है कनेक्शन लेस है, इस वजह से वो अनरिलायबल भी है। डेटा वहाँ पहुँचा कि नहीं पहुँचा कुछ गारंटी नहीं होती डिलीवरीज़ की। इसके अलावा जो आपका टीसीपी होता है वो एक्नॉलेजमेंट को फॉलो करता है। एक्नॉलेजमेंट इन द सेंस जब भी सोर्स से डेस्टिनेशन पे कोई डेटा सेंड होगा, अगर वो डेस्टिनेशन पे रिसीव हो चुका है, तो डेस्टिनेशन जो है सोर्स को रिप्लाई करता है कि भाई जो आपने डेटा भेजा था वो मुझे मिल गया है,
या फिर अगर वो डेटा वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है तब भी वहाँ से एक्नॉलेजमेंट आता है रूट से कि जो डेटा है वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाया, उसके पीछे रीज़न जो भी होता है वो पता लग जाता है हमें। तो TCP क्या कर रहा होता है, एक्नॉलेजमेंट यानी रिप्लाई पे काम कर रहा होता है। TCP में जब भी कोई डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन सेंड होता है तो डेस्टिनेशन उसको रिप्लाई करता है कि मुझे डेटा मिल चुका है। जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा मेल्स के अंदर क्या होता है, जब आप किसी को मेल करते हो तो जब मेल वहाँ पे पहुँच जाता है तो आपके पास नोटिफिकेशन होता है अपने आउटबॉक्स के अंदर कि वो मेल वहाँ पे डिलीवर हो गया है। अगर वो नहीं हो पाता है तो आपको कई बार एरर्स के रिप्लाई आते हैं, मतलब कि आपके इनबॉक्स में कई सारे मेल्स आ जाते हैं एरर से रिलेटेड कि भाई इट कांट बी डिलीवर ड्यू टू दिस रीज़न, और आप उसको पढ़ के समझ जाते हो कि वहाँ पे जो है आपका मेल डिलीवर नहीं हो पाया। आपने WhatsApp के अंदर भी ऐसे ही देखा होगा, जब आप किसी को चैट सेंड करते हो तो आपको एक टिक दिखाई देता है कंफर्मेशन के लिए कि भाई अभी जो चैट है वहाँ पे रिसीव नहीं हुई है क्योंकि उसका इंटरनेट जो है बंद था। अगर आपको दो टिक दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है उसका इंटरनेट एक्टिव है डेस्टिनेशन पे, उसके पास चैट जो है डाउनलोड हो चुकी है। और जैसे ही आप ये दो टिक को ब्लू कलर में देख लेते हो आप समझ जाते हो कि उसने जो है चैट को पढ़ लिया है। तो ये क्या है, एक्नॉलेजमेंट है। तो इसी तरीके से TCP काम कर रहा होता है। TCP में एक्नॉलेजमेंट यानी कि डेस्टिनेशन से रिप्लाई आता है कि डेटा जो है उसको मिला या नहीं मिला, लेकिन UDP कोई भी एक्नॉलेजमेंट पे काम नहीं करता। आपका डेटा ये लेके जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, UDP का काम भी आपके डेटा की डिलीवरी करवाना है तो आपका डेटा ये सोर्स से डेस्टिनेशन लेके जाएगा, लेकिन वहाँ से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आती कि डेटा वहाँ पे रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आपको पता नहीं चलेगा, तो UDP में कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती। इसके अलावा जो आपका TCP होता है वो बिग पैकेट्स को ट्रांसफ़र करता है। बिग पैकेट इन द सेंस, जब ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को सेगमेंट्स में डिवाइड करती है तो सेगमेंट्स में डिवाइड करने के बाद सपोज़ आपका 1 GB का डेटा था, सेगमेंट्स में डिवाइड होने के बाद एक पैकेट जो है उसका 500 MB का हो गया, एक पैकेट उसका 2 MB का हो गया, एक पैकेट उसका 16 MB का, एक पैकेट उसका 1 KB का, इस तरीके से हो गया और सेगमेंट्स में होते होते टोटल 1 GB जो है इस फैक्टर्स में टूट गया। अब इन फैक्टर्स में से जो बड़ा पैकेट है यानी 500 MB वाला जो पैकेट है, ऐसे बड़े बड़े पैकेट्स को TCP जो है ले जाने की कैपेसिटी रखता है, मतलब कि वो नेटवर्क में उसको सोर्स टू डेस्टिनेशन पे ले जाने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन UDP जो है स्मॉल पैकेट्स को लेके जाता है। मतलब कि अगर आपके डेटा सेगमेंट्स में डिवाइड हो चुके हैं और उसमें जो स्मॉल पैकेट होगा वो उसको पहले छाट लेगा और छाटने के बाद जो है उसको लेके जाएगा, ना कि बड़े पैकेट्स को। अब क्योंकि TCP बड़े बड़े पैकेट्स की भी डिलीवरी करवाता है, इस वजह से TCP जो है स्लो स्पीड देता है, क्योंकि अगर बड़े पैकेट होंगे तो रूट पे जो है ट्रैफिक होगा, कोलिजन ना हो जाए, इस वजह से वो स्लो चलेगा उसको लेके, ताकि वो मैनर में जो है उसको वहाँ पे डेस्टिनेशन पे रिसीव यानी कि ड्रॉप करवा दे। और क्योंकि वो रिलायबल भी है, कनेक्शन बनाएगा, फिर उसके बाद डेटा को सेंड करेगा, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट वगैरह लेके आएगा, इस वजह से जो है इसमें डेटा की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी। लेकिन UDP क्या करेगा, क्योंकि वो स्मॉल पैकेट्स को लेके जाता है, छोटे छोटे पैकेट उठा के ले जाता है सेगमेंट के, इस वजह से क्योंकि वो पैकेट छोटा है तो स्पीड बहुत फास्ट आएगी, डेटा जो है ट्रैफिक से भी निकल जाएगा इधर उधर करके कहीं ना कहीं। और क्योंकि ये ना तो कनेक्शन बनाता है, ना तो ये एक्नॉलेजमेंट लेके आता है, ना ये रिलायबल है, तो ये तेज़ी से भाग के जाएगा। कि वहाँ पहुँचे ना पहुँचे उसकी कोई गारंटी नहीं है, पहुँच गया तो अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि ये पूरे प्रोसेस को फॉलो करता है TCP, इस वजह से ये स्लो डिलीवरी देता है एज़ कम्पेयर टू UDP। तो ये था आपका डिफरेंस TCP और UDP के अंदर, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर में काम कर रहे होते हैं आपकी डेटा की एंड टू एंड डिलीवरी मैकेनिज्म के लिए। TCP और UDP में आपको छाटना नहीं पड़ता कि किस प्रोटोकॉल के थ्रू मैं डिलीवरी करवाऊँ, ये सारा प्रोसेस बैकग्राउंड में आपके सॉफ्टवेयर्स के अकॉर्डिंगली, आपके नेटवर्क के डिवाइस के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली होते रहता है, आपके सर्वर्स के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली होते रहता है। कई कई केसेस में हम लोग खुद ही क्लासिफाइड करते हैं कि मैं TCP का इस्तेमाल करूं या फिर UDP का, लेकिन सारे केसेस में हम लोग TCP या UDP में से किसी TCP को या UDP को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि TCP काम कर रहा है UDP, हमें उसको ट्रेस करना पड़ता है, तब जाके हमें पता चलता है कि मेरा डेटा TCP से गया या UDP से गया। अब अगर आप यूज़ करना चाहते हो कि मैं पर्टिकुलर TCP से ही करूं, तो उस केस में आपके सर्वर के अंदर जो है आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, अपने डिवाइस के अंदर आपको इस चीज़ को इनेबल करना पड़ता है कि मैं TCP से करूंगा या UDP से। हालांकि बाय डिफ़ॉल्ट ये अपने आप ही सेलेक्ट हो जाते हैं, जैसे जीमेल के केस में, व्हाट्सएप के केस में, फेसबुक के केस में, या अमेज़ॉन या किसी भी डेटा ट्रैवलिंग के केस में, ये अपने आप ही काम कर जाते हैं कि TCP का यूज़ होगा या UDP का होगा। हमें सेलेक्ट करना है तो हमें अपने पर्टिकुलर डिवाइसेस के ऊपर चेंजेस करने पड़ते हैं, उसकी सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन में अपने हिसाब से जो भी मैनेजमेंट है करना पड़ता है। तो ये था डिफरेंस आपके TCP और UDP में, जो कि आपके ट्रांसपोर्ट लेयर में काम कर रहे होते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए। मैं फिर आऊँगा ऐसी वीडियो के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।